वेलकम टू द एपिसोड ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आप जानते हैं कि लोगों के दिमाग में वहम है कि बहुत टफ टॉपिक है वगैरह वगैरह, लेकिन जितना ये नीट में आता है द टू द लेवल इट कम्स इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, वो कोई खास टफ नहीं है। थोड़ा सा बेसिक्स को स्टडी कर लीजिए और थोड़ा सा कुछ टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपके पास नीट के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसके दिमाग में पहले ही परसेप्शन है कि थोड़ा टफ टॉपिक है, मैं इसकी रिवीजन को एक की जगह दो वीडियो में पेश करूंगा ताकि आप डिटेल्स में समझ सकें। पहले वीडियो में मैं सारी थ्योरी पेश कर दूंगा, दूसरे में टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिहाज से मैं पेश करूंगा कि ये चीज़ें हैं उसमें आपको मैं बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले कुछ बेसिक्स को देखिए। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? जो किसी भी which does not undergo any change in shape or volume when external forces are applied to it. Internal जो positioning of the body's particles के वो नहीं हिलती है। अब a point on the system at which whole mass is supposed to be concentrated. देखिए supposed to be concentrated का मतलब होता है चाहे वहां पर mass बिल्कुल ना हो। एक ring को ले लीजिए, ring का center of mass उसका center होता है जहां पर बिल्कुल भी mass नहीं होता, तो मतलब लगभग mass वहां पर हमने माना हुआ है, वहां है या नहीं ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी प्रकार से डिफाइंड होता है, सेंटर ऑफ मास भी इस तरह डिफाइंड होता है जहां पर सारी ग्रेविटी की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये उसी पर डिफाइंड है। आइए अब आगे, लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? पहले आइए रोटेशन का बेसिक समझ पाए। लीनियर मोशन वो है जो स्ट्रेट लाइन में होती है। देखिए इस चैप्टर से पहले हमारे पास बॉडी एक पॉइंट मास थी, आपको ध्यान होगा बहुत छोटी बॉडी थी, तो जो छोटी बॉडी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आसपास ही है, तो उनमें आपस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अब लीनियर मोशन समझिए, एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बड़ी बॉडी है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो एक लीनियर मोशन में। यहीं पर ट्रांसलेटरी मोशन देखिए, एवरी बॉडी एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी फॉलोज द पाथ विच इज प्रोसीडिंग वन विद सेम वेलोसिटी इंक्लूडिंग द सेंटर ऑफ मास। मैंने अगर आप एक पेन को टेढ़ा मेढ़ा घुमाएं हॉरिजॉन्टल रख करके तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा क्योंकि सब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन से अलग सिर्फ इसी फॉर्म में हुई कि ट्रांसलेशन के टाइम पर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आ गए, लीनियर स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर मोशन इसका मतलब हर लीनियर मोशन अपने आप में ट्रांसलेटरी होगी, परंतु हर ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर नहीं होगी। रोटेटरी मोशन क्या है? देखिए ये फर्क यहां पर आ गया। रोटेशन किसको कहते हैं? जहां पर हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो। ट्रांसलेशन में क्या है? हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, और वो सारे पॉइंट जिनके ऊपर बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है उन्हीं का नाम तो एक्सिस होता है। तो एक्सिस किसको कहते हैं? द पॉइंट्स वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा, एवरी लीनियर मोशन इज ट्रांसलेटरी बट द रिवर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अब आगे देखिए, एक अब आपको ये तीन चीजें तो सिर्फ स्टेटमेंट बताने के लिए थी कि लीनियर क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, और अब इसको आपने ये समझना है कि इसमें क्या क्या टर्म्स आपके काम के। देखिए पहला बात, सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा, उसको मैथमेटिकली समझिए। सेंटर ऑफ मास है क्या? अगर बहुत से मासेस हैं जो पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू आर थ्री के ऊपर हैं और टोटल मास एम वन एम टू एम थ्री हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास इस प्रकार निकलेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास एम आई एक्स आई अपॉन एम, वाई एम आई वाई वाई अपॉन एम, जेड एम आई जेड आई अपॉन एम, अगर आर होता तो समेशन एम आई आर आई अपॉन एम। मैंने मासेस को डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये डिस्टेंसेस कहां से नापने हैं? कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है वहां से, और सेंटर ऑफ मास की दूरी भी वहीं से पता लगेगी, ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्लियर करूंगा। अब रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे नापते हैं? वो नापेंगे आप रेडियन में, एंगल में। अब आगे चलिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगल पर सेकेंड, मैंने रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन आपको पता इसकी किस प्रकार होगी। फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रोटेशन अपॉन टाइम डी थीटा बाई डी टी, और इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होगा। फिर ये जो तीन फॉर्मूले नीचे लिखे हैं, ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के फॉर्म है, इसी में बदल रखे हैं। देखिए रोटेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसका लीनियर से रिश्ता बना लीजिए। लीनियर आप पहले बहुत बार कर चुके हैं, वही सारे रिश्ते को मैं कन्वर्ट करा दूंगा तो आपको लगेगा रोटेशन में कुछ खास नहीं है। आइए तो ये तीन इक्वेशन आपको आनी चाहिए, उसके उपरांत आइए अब बात करते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बला है। देखिए डेफिनेशन तो आपके पास मैंने यहां लिख दिया, आप देख सकते हैं, और ये
MIRI स्क्वायर है कि निकलवा के भी दूंगा, पर बेसिकली मन में एक बात याद रखिए कि लीनियर मोशन को में एक इनर्शिया होता है जो बॉडी को रोकने की कोशिश करता है। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया बॉडी को रोकने की कोशिश करता है जो मास पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार रोटेशनल मोशन में जो कॉन्सेप्ट या जो चीज इसको रोकने में चलती है उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया और उसी का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है, लीनियर इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है केवल, और रोटेशनल इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अलग अलग मास जिस प्रकार रखे गए होंगे उस पर भी ये डिपेंड करेगा। लीनियर मोशन में फर्क नहीं पड़ता मास कहां रखे गए हैं, लेकिन रोटेशन में मास किस प्रकार रखे गए हैं वो फर्क पड़ेगा। और इसकी वैल्यू आप देखिए, हम निकालते हैं MIRI स्क्वायर। अब RI क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब अगर आप किसी बॉडी के एक्सिस को बदल देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। लीनियर में ऐसा नहीं है, आप कार को धक्का लगाइए आगे से और पीछे से, आपके पास बराबर इनर्शिया है, लेकिन रोटेशन के पॉइंट से अगर आप किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब आइए रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? जहां पर सारा मास अगर रख दिया जाए इट विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने हाइपोथेटिकल डिस्टेंस है एक्सिस से जहां पर सारा मास रखा जाएगा तो वो बन जाएगा। ये निकालते कैसे हैं? मैथमेटिकली निकालते हैं, RI स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2N स्क्वायर अपॉन N। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालिए, उसको MK स्क्वायर से इक्वेट कर दिए, बस और कुछ नहीं करना। ये भी आपको निकाल के बताऊंगा, लेकिन हाँ फंडामेंटली बात समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बला है जो लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया करता है वही काम रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया करता है, उसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, पहली बात। अब अगली बात, अब ये देखिए कुछ आपको सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाए हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको घोटने पड़ेंगे। ये देखिए हुप और सिलिंड्रिकल शेल, मने एक छल्ला, मने एक रिंग, रिंग कहिए या हल्का सा मतलब थिकनेस वाला है, किसी भी थिकनेस वाला एक शेल मान लीजिए, उसका MR स्क्वायर है। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ही आप एक्सिस बदलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो देखिए इसमें एक्सिस बता रखा है आपने को, इस एक्सिस के अबाउट है MR स्क्वायर। यहीं पर आप देखेंगे ये सॉलिड सिलेंडर हमने लगा दिया, इसका MR स्क्वायर बाई 2 है। अब जरा यहां पर समझिएगा, हमने क्या कहा था? मास इंटू आर का स्क्वायर, मैंने अगर मास दूर हो जाएगा तो उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। यहां पर देखिए दोनों सिलेंडर का मास एम है के सेम है, इसका सारा मास आउटर पेरिफेरी के ऊपर है, सारा मास दूर है, इसमें कुछ मास अंदर आ गया है इसीलिए इसका इनर्शिया कम है। मास दूर करेंगे इनर्शिया ज्यादा होगा, मास पास कर देंगे इनर्शिया कम होगा। ये दूर पास कहां से नापना है? आपको नापना है एक्सिस से। अब अगली चीज देखिए, देखिए ये है एक लॉन्ग रॉड, इसको इसके सेंटर के रखा हुआ है, इसका आई है ML स्क्वायर बाय 12। ये सब में आप देखेंगे आई CM लिखा है, CM माने सेंटर ऑफ मास, मतलब आप देखेंगे जिस जिस हम एक्सिस को निकाल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रही है, तो इसका ML स्क्वायर बाय 12 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यही देखना, मैंने इसी रॉड का एक साइड पर कर दिया इस पर, अब देखिए इस केस में आधा मास यहां आधा मास यहां, लेकिन दूरी मैक्सिमम मास की L बाई 2 है, यहां पर दूरी मास की L बन चुकी है, तो मास दूर हो गया। अब आप देख सकते हैं इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML स्क्वायर बाई 3 बन गया, बढ़ गया। आप देखिए मास दूर चला गया, रॉड वही है, एक्सिस बदलते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। अब अगले देखिए, ये सॉलिड स्फीयर है 2/5 MR स्क्वायर, और अगला देखिए होलो स्फीयर है, हॉलो में क्या हुआ? फिर वही बात आ गई, मास दूर चला गया, 2/5 का मतलब 0.4 होता है, 2/3 का मतलब 0.66 होता है। यहां पर देखिए मास एक्सिस के पास कम बचा क्योंकि सारा मास यहां चला गया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मैंने आपका जैसे ही मास दूर चले जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये आपको पहली बात तो ये 6 जो आपको दिए वो स्टैंडर्डली याद होने चाहिए। उसके ऊपर एक बात और है, अभी अभी आपको मैंने हमने डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदलते ही एक्सिस के बदलते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। इसका मतलब क्या इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद करते फिरेंगे अलग अलग? तो नहीं, उसका एक तरीका है, उस तरीके को सीख लेते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। आइए, दो थ्योरम है मेरे पास, पहली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूं। ये कहता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सेंटर ऑफ मास के
बराबर मालूम है, ये आपके सामने मैं डायग्राम समझाता हूं, ये ICM है ये वाला, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है इस एक्सिस के, लेकिन इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं यदि मुझे ICM मालूम है। तो ICM में क्या करना है, मास को पूरा मास लीजिए और ये डिस्टेंस h है इसके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, ICM प्लस mh स्क्वायर, ये हमारा इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसका मतलब ये हो गया मैं इस ICM के पैरेलल कोई भी एक्सिस ले लूं मुझे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, सिर्फ मुझे इस mh स्क्वायर को ऐड करना है, m सेम रहेगा h अलग अलग ऐड करते रहिए, अगर मेरी डिस्टेंस ये कम हो जाएगा h बाई टू पर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन, मतलब ICM टेढ़ा भी हो सकता है, फिर आपको हर टेढ़े का निकल जाएगा, मैंने आपको जो निकालना है एक्सिस और जो आपको पता होनी चाहिए वो दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जिस एक्सिस के बारे में आप जानते हैं वो सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए, बस इसको याद रखिए। दूसरा हमारे पास इसके साथ यह है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अब अगला देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्लेन लैमिनार बॉडी के लिए, इसको हमेशा याद रखिएगा, लैमिनार बॉडी वो होती है जो शीट के फॉर्म में होती है। अब आप इसको थोड़ा स्टडी कर लें, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में मालूम है परंतु वो दोनों एक्सिस याद रखिए उसके अंदर से गुजरनी चाहिए, टू म्यूचुअली, देखिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, सद्य थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको डायग्राम समझिए। ये देखिए अगर मुझे ये मालूम है, आई एक्स मालूम है, आई वाई मालूम है, ये आई एक्स है, ये आई वाई है, ये दोनों मुझे मालूम है, लेकिन ये दोनों प्लेनर बॉडी के अंदर होने चाहिए, तो मैं आई जेड निकाल सकता हूं, सिंपल आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई, मैंने जो दोनों प्लेन में है उनको आप सम कीजिए और आई जेड के बराबर आ जाता। ये मेन कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके बहुत काम का है। अब एक बात और समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा पहले हम लीनियर और रोटेशन को आपस में लीनियर से रिलेट कर लेंगे। देखिए रिलेशन में मैंने आपको पहली बात बताई इनर्शिया की, जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया करता है वही काम रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया करता है, पर वो एम आर स्क्वायर होता है, उसको आपने स्टडी कर लिया। अब लीनियर मोशन में इनर्शिया को खत्म करने के लिए मैंने फिर भी आपको बॉडी चलानी है तो क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। इसी तरह रोटेशनल मोशन में आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन फोर्स एक डिस्टेंस के साथ लगाना पड़ता है एक्सिस से, उसको कहते हैं टॉर्क। मैंने टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बेसिकली वो काम करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। अब लीनियर मोमेंट में, लीनियर मोशन में आपके पास मोमेंटम होता है एम वी, ऐसे ही रोटेशनल में रोटेशनल मोमेंटम होता है, सिर्फ फर्क यह है एम की जगह पर आई आ जाएगा, वी की जगह पर ओमेगा आ जाएगा और एक्सेलरेशन जगह पर अल्फा आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए विल बी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। पहले मैं आपको इन फॉर्मूलों की लिस्ट दे देता हूं, फिर अगले में हम इसको डिटेल में करेंगे, मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये लीनियर वर्सेस मोमेंट, एंगुलर स्पीड मैंने बता दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया, रिश्ता देख लिया आपने, रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो गया आई अल्फा, उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया, तीन इक्वेशन बता दिए, वर्क डन टाउ डी थीटा है, यहां पर एफ डी एक्स है, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है, पावर उसमें एफ वी था, इसमें टॉर्क ओमेगा है। ये आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए ये टेबल, एक बार आप इस टेबल को ठीक से समझ जाएंगे बेटा तो उसके बाद रोटेशन के नीट तक के क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ, अब आपको एक उदाहरण से समझाऊं, आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या कहता है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे आप मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये क्या बोलता है, जब तक टॉर्क नहीं लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बस कोई फर्क नहीं है, एंगुलर चीज को एंगुलर में कन्वर्ट कीजिए और कुछ भी नहीं है। अब यहां देखिए फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम, इसमें रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन गया, कुछ भी खास नहीं है, लेकिन ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए अलॉन्ग विद टू थिंग्स। पहली चीज इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, पहली बात, दूसरी बात फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, बस ये दो चीजें आप माइंड में रखिए, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इनको मैंने शॉर्ट में आपको एक बात बताया, अगली बार मैं इसके कॉन्सेप्ट पर के एलैबोरेटेड पॉइंट्स, माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स को कैसे यूज करना है और एनर्जी को कैसे यूज करना है, ये दो चीजें, और रोलिंग को मैं बताऊंगा, उसके उपरांत हम रोटेशन के टॉपिक के एनसीईआरटी के कहिए या कहीं के भी कहिए आप क्वेश्चंस करने के पूरी तरह नीट लेवल पर कामयाब हो जाएंगे, मेरा विश्वास कीजिए, अगले वीडियो के बाद क्लियर आपको हो जाएगा। सुनने के लिए थैंक यू, इसको यूज करें, थैंक यू।